up everybody and welcome back to the PCB Vlogs और PCB Vlogs के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, बिल्कुल सही देखा कि बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा। लेकिन बेस्ट कैमरा या बेस्ट एक्शन कैमरा हर किसी के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए कुछ बेस्ट होता है तो किसी के लिए कुछ बेस्ट होता है, तो ये मुझे अपने पर्सनल लेवल पे बेस्ट लगता है। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी लेगा ना भाई, तो वो इससे तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले दिन का बहुत ही ज्यादा जरूरी काम कि मैं पहले जिम हो आता हूँ, उसके बाद में इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। अगर कोई बेस्ट एक्शन कैमरा अभी भी देख रहा है ना बंदा और लेना चाहता है, तो इस वीडियो को मिस मत करना। ऑलराइट, सो व्हाट्स अप गाइस, जिम जाने से पहले मुझे एक जगह जाना पड़ा, तो आज शर्ट में अभी देख रहे हो गए, ऑफिशियल मीट शीट में भाई पहन के जाना पड़ता है इस तरीके से। बाकी जो एहसास खुलेपन का जो टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स में आता है ना, वो इसमें नहीं आता, लेकिन भाई करना पड़ता है। फटाफट से यहाँ पे मीटिंग निपटा लेता हूँ, काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद जिम जाऊंगा, उसके बाद में हम व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं थोड़े कुछ घंटों बाद। जैसे कि देख सकते हो कि भाई मैं घर पे हूँ और कुछ घंटों का ट्रांजिशन नहीं, ये नेक्स्ट दिन है भाई, क्योंकि उस दिन मीटिंग कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद मैं जिम में गया, घर पे आके चेंज करके फिर वापस जिम से घर पे आया, वापस से मैंने चेंज किया, वापस से बाहर गया, काम था, तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। तो उस दिन कुछ व्लॉग नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए तो कुछ चंद सेकंड का ही ट्रांजिशन था, तो क्या फर्क पड़ता है। अब अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट भाई, यहाँ पे आज बात हो रही है डीजे ऑस्मो एक्शन के बारे में। तो ये है भाई बॉक्स, बॉक्स ऑब्वियसली खुला हुआ है क्योंकि चेक करना पड़ता है सब कुछ है कि नहीं है। तो बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिखता है, DJI की ब्रांडिंग और पीछे काफी सारे उसके फीचर्स वगैरह हैं, देख सकते हो। लेकिन उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे भी मैं बताने वाला हूं। भाई बॉक्स को खोल देते हैं, जो कि मैंने पहले भी खोल रखा है। और भाई यहां पे आता है कैमरा, स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह सब कुछ निकाल दिया है। इनको भी मैं एक बार निकाल के देख चुका हूं, लेकिन फॉर द वीडियो पर्पस वापस से गचड़ पचड़ करके सेट कर दिए। एक बार सारी चीजें बाहर निकाल देता हूं और फिर बता देता हूं इस बॉक्स में अपन को क्या क्या मिलता है। ये सारी चीजें हैं जो कि इस केस के अंदर या इस बॉक्स के अंदर आती है। तो सबसे पहले तो भाई हमारा ऑस्मो एक्शन कैमरा है, पीछे टच स्क्रीन है, चलो अभी थोड़ी देर बाद इसका बताता हूं। ये है माउंट, इसको आप हेलमेट में भी कर्व्ड है ये देख सकते हो, तो इसको हेलमेट पे भी लगा सकते हैं। 3M की टेप लगी हुई, निकाल के चिपका दो, लेकिन एम सील भी साथ में लगाना। ये है USB-C केबल, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि पहले DJI बॉक्स में नहीं देता था, ये अडेप्टर है एक्चुअली। और इसमें देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो 3.5mm का जो है जैक लगा हुआ है, जिससे कि आप अपना माइक कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई ऑडियो क्वालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है लॉकिंग स्क्रू, ये देख सकते हो, इस पर आप कभी भी सेल्फी स्टिक वगैरह उस पर माउंट करने में काम आता है। और ये जो छोटा सा ब्रीफकेस देखते हो, ये खाली है क्योंकि इसके अंदर आई थी बैटरी, जो कि मैंने इसके अंदर अभी डाल दी है, देख सकते हो। ये है वो जो केज जो बॉक्स के अंदर ऑलरेडी आता है, और इसी के अंदर भी एक्शन कैमरा था। फटाफट से दिखा देता हूं कि वो कैमरा जो अपन ने लिया है वो कितना छोटा है। ये है अपना DJI ऑस्मो एक्शन, और कैमरे के केस से बाहर, केज के बाहर निकालने का देख लो भाई, ये इतना सा ही रह जाता है। पीछे पूरी टच स्क्रीन है, ऊपर कुछ पावर ऑन ऑफ के बटन है, ये नीचे बैटरी है जो कि उस केस में आई थी, और देख लो भाई ये इतना सा ही है कैमरा। ऑलराइट भाई, देख ही सकते हो कि केज में वापस डाल दिया, और अपन इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही पॉइंट कवर करेंगे जिसमें ये व्लॉगिंग में अपने आसानी से काम में आ सकता है। और ये बेस्ट क्यों है वो बस उन पॉइंट से साबित हो जाएगा, और ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है भाई, क्योंकि जब भी तुम लोग है ना, तुम खुद ही सीख जाओगे, सब होशियार हैं आज के टाइम में, ठीक है ना। तो फटाफट से अपन इसको बोरिंग नहीं करेंगे, ऊपर से जो काम की चीज़ होगी ना, सिर्फ वही देखेंगे। मम्मी ये लो पकड़ो, कैमरा है, रिव्यू करना है। बच्चों का लगता है खिलौना टाइप। हाँ, तो बस जो भी लगता है इसका अपन को रिव्यू करना है। अरे एक्शन कैमरा इतने ही होते हैं यार, सैवेज मत बनो। एक्शन कैमरा है बेटा, मैं जानती हूँ सब, तेरे से पहले यूट्यूबर हूँ मैं, गजब की बेइज्जती है। मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हो, और वास्तव में मम्मी मजाक ही कर रही है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा नहीं कि मम्मी के चैनल पे हम यूं ही वीडियो डाल देते हैं और टेक्निकलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, मम्मी आपके जो वीडियो डालते हैं ना अपन, जो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, वो किस रेजोल्यूशन में डालते हैं अपन? फुल HD देख रहे हो। अच्छा, फ्रेम्स पर सेकंड उसमें कितने होते हैं? 60 देख रहे हो, सब पता है, सब पता है। ये छोटा कैमरा तो इसलिए लिया है सुविधा के लिए, भाई कहीं जा रहे हैं या लगा ले कहीं पे, तो ये लगा है। बड़ा भी है हमारे पास, और कई बार हम फोन से भी करते हैं, जो भी इसका फोन है, तो सैमसंग का बहुत ही बढ़िया, उसकी तो बात ही अलग है,
और कैमरे से कई चीजें कैमरे से भी होती है, मतलब जैसे हम कुकिंग का करते हैं उसमें हम डीएसएलआर यूज करते हैं, डीएसएलआर से करते हैं और बाकी फोन से भी कर लेते हैं। और ये तो जैसे जा रहे हैं कहीं बच्चे वगैरह कर ले या हम भी कहीं जा रहे हैं लगा ले, इसे सुविधा के लिए है। मम्मी सुविधा क्या आपको पता नहीं है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये भाई साहब बहुत पावरफुल है। कुछ एक आध जो चीजें होते हैं ना वो करके बताओ, मम्मी आप ही रिव्यू करो, लो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो। जो हम शूट करते हैं भाई फुल एचडी में 60 फ्रेम्स पर सेकंड में करते हैं, बाकी फुल एचडी के अंदर 30 फ्रेम्स पर सेकंड में करोगे तो बहुत स्टेबलाइज फुटेज आएगी इसके अंदर। और 4K में भी कर सकते हो 30 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर, लेकिन 4K में भाई देखता कौन है, हम तो 4K में भी शूट करके अपलोड करते हैं लेकिन होली दिवाली लोग या फिर कोई बहुत ही उनका बर्थडे होता है तो जाके वो 720p पे जाते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग 480p पे ही देखते हैं भले जियो कितना भी डेटा दे दे। तो इस वजह से हम भी वो माथापच्ची नहीं करते, बहुत बड़ी फाइल हो जाती है, रेंडर में भी टाइम लगता है और 1080p के अंदर क्वालिटी वैसे भी बहुत तगड़ी आती है। तो अभी तक हम उसी को यूज कर रहे हैं और उसी में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। DJI जाना जाता है अपने ड्रोन्स के लिए और गिम्बल्स के लिए और इस एक्शन कैमरा के लिए भी अब जाना जाता है, और सबसे ज्यादा जाना जाता है उसकी स्टेबलाइज्ड फुटेज के लिए, और वो कमाल इसके अंदर भी मौजूद है। अभी मैं फटाफट से भाग के बताता हूं और मम्मी पीछे से रिकॉर्ड करेगी, आप लोगों को ऐसा लगेगा मान लो कि गिम्बल के थ्रू शॉट हो रहा है लेकिन वो गिम्बल के थ्रू नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट फुटेज आप देखने वाले वो ऑस्मो एक्शन से देखने वाले, तो चलो देखते हैं इसका स्टेबलाइजेशन कितना तगड़ा है। मम्मी ने कहा कि धीरे भागना, धीरे में समझ कैसे आएगा। अभी मम्मी स्टेबलाइजेशन धीरे में कैसे समझ में आएगा, फटाफट फटाफट भागना था, तेज भाग नहीं सकता। मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगा ये सब कुछ काम। तो भाई अब जैसा स्टेबलाइजेशन इसका समझ में आया ना वो ठीक है, कभी बाहर, हाँ बाहर की फुटेज लेंगे ना तब समझ लेना। खड़े बढ़ाते दौड़ते थोड़े हैं कोई वीडियो बढ़ाते भाई, जो जैसा है जिसको जैसा समझ में आया, बाकी स्टेबलाइजेशन मैंने खुद ने चेक करा हुआ है, बहुत बढ़िया है, सब समझ जाएंगे अपने लोग। चलो समझ जाना भाई। तो मम्मी अब तैयारी कर रही है स्लो मोशन शॉट के लिए, कैसे लोगे भाई? तो अभी हम क्या है कि इसके अंदर पानी भर रहे हैं और इसका स्लो मोशन शॉट लेंगे, उससे पता पड़ जाएगा ऑस्मो एक्शन कितने कूल स्लो मोशन शॉट्स लेता है। तो अभी आपने लाल वाले गुब्बारे से स्लो मोशन देखा, पीला वाला भी देख लो भाई, वापस पानी भर के लाए हो। अभी मम्मी स्लो मोशन शॉट कैसे लगे? मैं कह नहीं रहा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। और यहाँ पे इतना धमाका हो रहा है कि प्याज 100 रुपए किलो हो गए। ये नया अपडेट है, मैंने थोड़े लिए। DJI अगर कभी वीडियो को देख रहा होगा कि भाई इसमें हमारे प्याज का इश्यू बीच में का। अब व्लॉगिंग के लिहाज से इस कैमरे के अंदर क्या खास है वो बताता हूँ। पीछे वाली स्क्रीन में जैसे कि अभी आप मेरे को देख पा रहे हो वो तो सब ठीक है, जब ऐसे करके शूट करो तो हो जाएगा, लेकिन व्लॉगिंग के केस में आपका कैमरा कुछ इस तरह से रहता है तो आपको फ्रेम का कैसे पता पड़ेगा कि फ्रेम के अंदर हो या बाहर जा रहे हो, उसके लिए आगे एक स्क्रीन दे रही है उसको एक्सेस करना बहुत आसान है। मैं पीछे वाली स्क्रीन पे टैप करूंगा और यह देखना आगे वाली स्क्रीन जो है उस पर स्विच हो जाएगा, ये आगे वाली स्क्रीन आ गई। अब आप इसको इस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं और आपको पता पड़ेगा कि आप फ्रेम में हैं। अभी ब्लॉगिंग के अंदर एक और खास बात जो कि ना तो आप मोबाइल में कर सकते हो और अगर DSLR लोगे तो आपको एक महंगा वाइड एंगल लेंस लेना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन इसके अंदर है। आप समझ गए होंगे वाइड एंगल लेंस यानी कि बहुत ज़्यादा जो पीछे का जो सीन सिनेरी होती है ना वो कैप्चर कर पाए, मोबाइल में नहीं होगा। तो मम्मी अभी थोड़ा सा इस वाले मोबाइल से ब्लॉक करेगी और उसके बाद फिर इससे करेगी तो आप सीन में पीछे देखना कि कितना ज़्यादा कैप्चर करता है, जब आप देखोगे ना तभी आपको डिफरेंस का पता पड़ेगा। चले मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, और आप सब लोग कैसे हैं? और कोरोना काल में अपना ध्यान रखिए और मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और सभी नियमों का पालन करेंगे तो सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, ये मेरी आप सबको सलाह है और सभी का पालन करें। खमागणी। अब यही शॉट वापस से एक्शन कैमरा में देखते हैं, ये इसी जगह पर खड़ा रहूँगा और यहीं पर मैं उसको भी पकड़ूंगा। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत करती हूँ अपने घर में, और आप सभी लोग मेरी रेसिपी देखिए और बनाइए और खाइए और खिलाइए। प्रमोशन कर दिया, मेरे को जरूरत है प्रमोशन की, आपको नहीं है। तो ये वाली फुटेज थी अपने DJI Osmo Action से, सीन में देख ही पा रहे होगे कि कितना ज्यादा फर्क आ गया है।
आवाज ऑस्मो एक्शन के अंदर अभी रिकॉर्ड हुई है भाई, वो हुई है इसके इंटरनल माइक्रोफोन से। मैंने इसका एक माइक ऑर्डर किया है, वो जब आ जाएगा वो दिखाऊंगा, एक ट्राइपॉड पे ऑर्डर किया है, तो जब वो आ जाएंगे ना तो उसके बाद में अपन कंपैरिजन कर पाएंगे कि भाई जो इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है या फिर उसको लगाने के बाद इसके आवाज की क्लैरिटी और भी ज्यादा एनहांस हो जाए। और दूसरा, आपने डिफरेंस देख ही लिया होगा सीन के अंदर कि एक ही जगह पे अपन ने मोबाइल से शूट किया जिसमें फ्रंट कैमरा में वाइड एंगल लेंस नहीं होता है, तो हम दोनों ही बिल्कुल कैमरे के पास में दिख रहे थे। व्लॉगिंग के अंदर जब आप बाहर का जो कोई शूट करते हैं ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा पीछे के सीन्स कैप्चर हो पाए, उसके लिए ये द बेस्ट चीज है भाई मार्केट में। ठीक है, और भी है एक्शन कैमरा, लेकिन भाई मेरे को ये बहुत ज्यादा पसंद आया। देखा सीन के अंदर कितना डिफरेंस आ गया, पीछे का कितना एरिया दिख रहा था अपने इस ऑस्मो एक्शन के अंदर, और मोबाइल में तो बिल्कुल अपन पास खड़े हुए दिख रहे थे, बहुत ही मजेदार दिख रहा था। तो बिल्कुल मैंने सही कहा था ना स्टार्टिंग में कि छोटा पैकेट और छोटा क्या है, पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल बड़ा धमाका। ऑलराइट भाई, मम्मी का रिव्यू कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादातर इस तरह के वीडियो डालते नहीं हूँ, काफी सारी चीजें लेता हूँ लेकिन मैं क्या है कि यहाँ पे ज्यादा इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी सारे जो मेरे छोटे भाई बहन है वो वीडियो देखते हैं और उनको ऐसा लगे नहीं यार ये सब इन सब चीजों की जरूरत होती ही है लाइफ में, जबकि नहीं होती है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास होनी चाहिए, तो उस चीज की वो जिद नहीं करे, अननेसेसरी पैसा खर्च ना करे क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है मेरे दोस्तों। तो ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि अगर कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है, थोड़ा सा भी क्रिएटिव बंदा है, तो वो इस कैमरे से सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ना महंगे फोन की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा महंगे DSLR की जरूरत है, सारे काम ये अकेला कर देता है। और आप अगर कहीं भीड़ में ब्लॉगिंग करते हो ना, ये इतना छोटा है ना कि पता भी नहीं पड़ेगा और बहुत लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं करेगा और आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो मेरा इसी वजह से मैं बहुत सारी चीजें नहीं दिखाता हूँ, लेकिन जो काम काम की चीज होगी मैं आइंदा से बोल रहा हूँ, आगे से बताऊंगा ब्लॉग के अंदर। तो बताना कैसा लगा कंटेंट, कैसा लगा वीडियो, जैसे कि मैंने बोला ही था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो कर ही लेना और बेल आइकन भी दबा देना, और जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सांस चढ़ गई भाई की, बाय।